नमस्कार। आज से कुछ समय पहले क्लिक इंडिया के सीईओ ने जाने माने ज्योतिष के एन राव के साथ एक इंटरव्यू में इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर बात की थी, जिस पर के एन राव ने कहा था कि सरकार तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी की ही बनने वाली है और इस दौरान मोदी सरकार कई बड़े डिसीजंस लेने वाली है। क्या ये भी भविष्य में दिख रहा है कि भारत से जो टुकड़े अलग होकर के अलग अलग देश बन गए, क्या वो सब भी एक वो आ सकते हैं? मैंने इसको ज्यादा वर्क नहीं किया। पाकिस्तान आ सकता है। अच्छा, बढ़िया सर। तो और जो मौजूदा सरकार है, चूंकि अगले साल चुनाव भी हैं, तो इनका भी कुछ ऑब्वियस आपको यही आए मोदी जी आएंगे। जी सर, बढ़िया। और देश में प्रजातंत्र की स्थिति को लेकर के कि बहुत बार प्रजातंत्र अपने आप में अच्छा रहेगा, हिंदुत्व का राइज हो रहा है। इसके साथ ही जब एक्सिस माई इंडिया, चाणक्य और सी वोटर सर्वे जैसे बड़े बड़े एग्जिट पोल संस्थाओं ने एकदम गलत आंकड़ों का प्रेडिक्शन किया, उस दौरान देश का एकमात्र मीडिया संस्थान रहा क्लिक इंडिया, जिसने सटीक आंकड़ों के साथ कहा था कि बीजेपी इस बार बहुमत का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। क्लिक इंडिया के सीईओ और टीम ने कई पहलुओं को पढ़ने और समझने के बाद एनालाइज किया और उनसे हमने निष्कर्ष निकाला कि 4 जून को बीजेपी और बाकी पार्टियों की क्या स्थिति रहेगी। हमारे साथ विप्रांशु, किसकी सरकार आने वाली है? मैंने मतलब अभी कुछ पढ़ाई करी है, इसी के बारे में भी पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें देखी। तो सीट्स की अगर हम बात करते हैं तो बाकी सारे लोगों का कहना है कि 350-360, तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा मुझे लगता है कि 230 से 240 के बीच में बीजेपी इस बार सीट सिक्योर करी है। बेसिकली मेजॉरिटी मार्क भी क्रॉस नहीं कर पा रही है। यूपी जो है इस बार सरप्राइजिंग फैक्टर हो सकता है, जैसे कि यूपी में 3 चीज़ें जो हैं वो इस बार इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। सबसे पहला तो अगर हम पिछली बार का डेटा देखते हैं तो 14 में बीजेपी ने जीती थी 71 सीट्स एंड फिर 19 में जीती 62 सीट्स, तो कम हुआ। एंड उसके बाद वापस से इस बार ऐसा लगता है कि बीजेपी 50 सीट पर यूपी में सिमटेगी, क्योंकि यहाँ पे 3 फैक्टर प्ले करते हैं। अभी 6 से 7-8 महीने पहले एक रूमर उड़ा था कि बीजेपी अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड दिखाने के लिए कन्याकुमारी से मोदी जी को उतारने वाली है, एंड मोदी जी जहाँ से खड़े होंगे वो जीतेंगे ही जीतेंगे, ठीक है। बट उसके बाद मोदी जी ने वो प्लान ड्रॉप किया एंड इवेंचुअली अब वो वहाँ मेडिटेशन कर रहे हैं। तो कन्याकुमारी को वो मतलब साउथ इंडिया को साधना चाहते हैं, बट अब उनको शायद से इंटरनली कोई डेटा मिला हो, कोई पता चला हो कि यहाँ के लोग खुश नहीं। इंटरनली मतलब कि उनको ध्यान में कोई डेटा मिल गया क्या? नॉट वैसे, उनकी टीम या फिर कुछ इस तरह से उनको पता चला होगा कि वहाँ के लोग खुश नहीं, तो इस वजह से उन्होंने वो प्लान ड्रॉप किया एंड अगेन वो फिर वाराणसी से ही चुनाव लड़े हैं। तो इस वजह से एक फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर है जो बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड है, वो इस बार मुझे नहीं लगता कि यूपी में चलेगा, वो इस बार कास्टिज्म में तब्दील होगा यूपी एंड इवन इन बिहार। लेकिन मोदी जी ने अयोध्या मंदिर बनवाया है और लोग ये भी बोल रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, फिर आप कैसे कह रहे हो कि वहां पे हिंदुत्व का फैक्टर नहीं चलने वाला? 14 से लेके 2019 के बीच में भी मोदी जी का ये मतलब बीजेपी का एनडीए का ये एक वो था, नारा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, एंड 2019 में इवेंचुअली इट हैपेंड। फिर उसके बाद से जो 2014 से 2019 के बीच में भी बीजेपी ने सीट्स लूज करी थी, एंड अब यहाँ पे ओबीसी फैक्टर भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है यूपी की पॉलिटिक्स में इस बार, मुझे लगता है। एंड हिंदुत्व कार्ड इस बार नहीं चलेगा। उसके बाद अगर फिर हम देखें कुछ और स्टेट्स को, जैसे दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, यहाँ पर कुल मिलाकर 117 सीट्स है, एंड यहाँ पर बीजेपी जो है हर स्टेट में लगभग 25% सीट्स अपनी लूज करती हुई दिख रही है। तो इधर भी बेसिकली बीजेपी को लॉस हो रहा है। उसके बाद अगर गेनिंग की हम बात करते हैं तो गेनिंग में साउथ इंडिया की कुछ कुछ जगह है जहाँ पे गेन हो रहा है, जैसे कि केरला, तमिलनाडु, ये मेरा अपना वो है, तमिलनाडु एंड तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, एंड उसके बाद फिर वेस्ट बंगाल में भी कुछ कुछ सीट्स, एक आध सीट्स जो है वो इन सारी जगहों से गेन होंगी, एंड नॉर्थ ईस्ट में भी शायद से कुछ गेन हो सकता है। बट ये जो गेन हुआ वो सारा कम कर देता है अपना कर्नाटका का जो स्टेट है, उधर से बीजेपी गवाएगी अपनी सीट्स को, तो फिर ये न्यूट्रल हो जाएगा। अब जो इन्होंने गेन किया वो कर्नाटक ने न्यूट्रल कर दिया, एंड जो 117 सीट्स जो भी मैंने आपको बताई वो बीजेपी ऑलरेडी उसमें से 25% सीट्स अपनी लूज कर रही है। जितना कमा रहे हैं उतना घटा भी रहे हैं, ज्यादा गवा रहे हैं। तो फिर ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो प्ले करेंगे, वो रहेगा। उसके बाद बिहार का भी, अब बिहार की भी जो पॉलिटिक्स है वो भी इस बार मतलब बिल्कुल बदल गई। पहले एनडीए टूटी थी, नीतीश कुमार जी
ने अपना साइड चेंज किया था, उसके बाद वापस से वो एनडीए में जुड़ गए, तो इस वजह से अब बिहार की पॉलिटिक्स में भी थोड़ी बहुत वो है। एंड उसके बाद अगर हम देखें वहाँ बिहार में अभी यूथ वोटर्स बहुत ज़्यादा हैं, मतलब बिहार में करीब 7.5 करोड़ वोटर्स हैं, उनमें से 1.7 करोड़ जो है वो यूथ है एंड दे आर सर्चिंग फॉर जॉब्स। एंड अभी हमने रिसेंटली देखा था कि पेपर लीक हो रहे हैं, रेलवे के पेपर लीक हुए, इसके पेपर लीक, तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है वहाँ पे उसको लेकर के। तो वहाँ पर भी मुझे लगता है कि बीजेपी लूज करेगी ड्रास्टिकली। उसके बाद महाराष्ट्र का भी जो है पॉलिटिक्स वो भी बहुत ज़्यादा बिगड़ा है कुछ टाइम पहले, उससे अगर हम पहले देखते हैं पूरा रिसर्च करके आया है विप्रांशु, और विप्रांशु को लग रहा है कि 225-230 के अराउंड सीट्स बीजेपी गैदर कर रही है एंड बहुत ज़्यादा लूज है पिछली बार के मुकाबले। इस बार महाराष्ट्र में लूज है, लूज वो कर रहे हैं, दिल्ली में लूज कर रहे हैं एंड हिमाचल प्रदेश में लूज कर रहे हैं, उत्तराखंड में लूज कर रहे हैं, और भी उत्तर प्रदेश में लूज कर रहे हैं, गुजरात में लूज कर रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, काफ़ी सारी ऐसी सीट्स हैं जहाँ पे बीजेपी लूज कर रही है एंड गेन बहुत कम कर रही है, लूज कर रही है। तो इस वजह से मेरी तरफ से जो बीजेपी को इस बार सीट्स मिलने वाली है वो 230 के ऊपर शायद से नहीं जाएंगी। बीजेपी 230 नहीं बन रही है अकॉर्डिंग टू मी।